ऑस्ट्रेलिया की नजर अहमदाबाद टेस्ट में कमाल करके सीरीज को बराबरी पर लाने की है, तो वहीं टीम इंडिया यहां जीत हासिल कर सीरीज और WTS फाइनल का टिकट अपने नाम करना चाहेगी। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 मार्च से सीरीज का चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इंदौर टेस्ट गंवाने के बाद टीम इंडिया सतर्क है और अब उसकी कोशिश यहां जीत हासिल कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की है। लेकिन टीम इंडिया के लिए यहां मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी स्टीव स्मिथ ही टीम की कप्तानी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस घर वापस लौटे हुए हैं, क्योंकि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है। ऐसे में अभी तक उनकी वापसी कंफर्म नहीं है। पैट कमिंस के न लौटने पर स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालेंगे। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ का भारत में बतौर कप्तान रिकॉर्ड काफी बेहतर है और इंदौर में भी कंगारू टीम को उनकी अगुवाई में ही जीत मिली थी। स्टीव स्मिथ ने भारत में 5 टेस्ट मैच में कप्तानी की है, इनमें से 2 में जीत और 2 में हार मिली है, जबकि 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। स्टीव स्मिथ की कोशिश होगी कि अहमदाबाद टेस्ट में वह अपनी टीम को जीत दिलाएं, ताकि सीरीज बराबरी पर रहे। वहीं टीम इंडिया इस मैच में वापसी करना चाहेगी।